सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। वैक्सीनेशन से पहले आज देश में सबसे बड़ी ड्राई रन रिहर्सल। हरियाणा, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी 736 जिलों में ड्राई रन। अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन। आज फिर सरकार और किसान होंगे आमने सामने। कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की लिखित गारंटी को लेकर विज्ञान भवन में होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होनी है सुनवाई। महिला स्वसहायता समूह का आर्थिक सशक्तिकरण क्रेडिट कैंप आज सीएम शिवराज मिंटो हॉल में महिला समूहों को वितरित करेंगे 200 करोड़ रुपए। महिला हितग्राहियों से करेंगे संवाद। सीएम भूपेश बघेल आज बस्तर संभाग के दौरे पर जानेंगे योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत। लोगों से फीडबैक भी लेंगे। और जबलपुर की बेटी स्नेह जायसवाल ने किया जिले और प्रदेश का नाम रोशन। जयपुर में आयोजित मिस इंडिया ग्लैम 2020 का जीता खिताब। फोटोज ने फेस ऑफ द ईयर का खिताब मिला। वहीं बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सौगात देंगे। 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। महिला स्वसहायता समूहों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मिंटो हॉल में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। भोपाल से आपको ये खबर बता रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ चर्चा करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे सीएम शिवराज, साथ ही 200 करोड़ रुपए का वितरण भी करेंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान महिला स्वसहायता समूहों से आज संवाद करेंगे, 200 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे सीएम शिवराज। वही इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गीत दीक्षित जी जुड़ गए हैं। गीत जी, क्या कुछ जानकारी है आज स्वसहायता समूह की महिलाओं को सीएम सौगात देने जा रहे हैं? देखिए कृतिका, इसमें बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो महिला स्वसहायता समूह है उसका एक क्रेडिट कैंप है ये कार्यक्रम, जो मिंटो हॉल में है दोपहर 3 बजे। ये वर्चुअली तौर पर इसका वितरण किया जाएगा। इसमें जो है 3 जिलों की महिला हितग्राहियों से सीधे मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। इसमें झाबुआ है, शहडोल है और 17 जिलों की जो महिला हितग्राहियां हैं उनसे सीधा संवाद होगा। वहीं इसमें एक और कार्यक्रम का रहेगा, मुख्यमंत्री जो भोपाल जिले के हितग्राहियों को चेक वितरित करेंगे। ये प्रदेश के सभी जिलों के महिला जो स्वसहायता समूह है उसमें 200 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का कार्यक्रम है कृतिका। जी धन्यवाद गीत जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्वसहायता समूह की महिलाओं को सौगात देने जा रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का वितरण करेंगे सीएम शिवराज और स्वसहायता समूह की महिलाओं से वर्चुअल रूप से बातचीत भी करेंगे। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वसहायता समूह की महिलाओं को आज सौगात देने जा रहे हैं। 200 करोड़ रुपए के ऋण वितरण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और महिलाओं से वर्चुअल तरीके से सीधा संवाद भी करेंगे। कई जिलों की महिलाएं इसमें शामिल होंगी। मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र अधिनियम के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अब राजपत्र में नोटिफिकेशन के बाद कानून लागू होगा। माना जा रहा है कि एक दो दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, हालांकि इसे 6 महीने के अंदर विधानसभा से पास कराना होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 29 दिसंबर को शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई थी। अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक धर्मांतरण करवाकर विवाह करने और करवाने वालों को 10 साल की सजा और 1,00,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें धर्म स्वातंत्र अध्यादेश पर राज्यपाल की मोहर लग गई है। 101 या 2 दिन में इसका प्रकाशन हो सकता है। धर्म स्वातंत्र अध्यादेश पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी है। बजट सत्र को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि राज्य का अगला बजट आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने कहा कि बजट केवल मुख्यमंत्री और अफसर नहीं बनाएंगे, बल्कि अलग अलग सेक्टर के विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों की सलाह पर इसका आर्थिक ढांचा तैयार किया जाएगा। साथ ही कहा कि कोरोना काल में सरकार ने सुधार के कई काम किए हैं। केंद्र सरकार ने 4 सुधार दिए थे। हमने फैसला किया है कि बजट केवल मुख्यमंत्री, मंत्री और केवल अफसर नहीं बनाएंगे। हम तो एक्सरसाइज करेंगे ही, हम तो पूरा सोच विचार करेंगे उस संबंध में जिसके जो सुझाव हो, अलग अलग सेक्टर के भाई बहन, अलग अलग क्षेत्रों के भाई बहन और अलग अलग अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ, सबसे मैं अपील करता हूं कि माई गव पोर्टल पर अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। और कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश ने सुधार के लिए जो काम किया है, 4 सुधार जो भारत सरकार ने दिए थे, वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी क्षेत्रों के मामले में 4 में से 3 हमने कर दिए और 2 ही राज्य अभी ऐसे हैं देश में जिसमें से एक मध्य प्रदेश है जिसने ये किया है, तो उसका लाभ भी हमको मिलेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट होगा अगला बजट। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज की अनौपचारिक डेस्टिनेशन कैबिनेट के बाद अब हर मंत्री के साथ अलग से चाय पर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। शुरुआत हुई मंत्री विश्वास सारंग और यशोधरा राजे सिंधिया के साथ। क्या खास रहा इस मुलाकात में, देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह सीएम हाउस में सबसे पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सीएम ने आमंत्रित किया। यहां सारंग ने अपने विभाग के रोड मैप की जानकारी दी। इसके बाद सारंग ने बताया कि सीएम से चर्चा में तय हुआ है कि एमपी में ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज शुरू होंगी, लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री के साथ लगभग 25 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। अगले 3 साल में इसे लागू करने का प्लान बनेगा। नेशनल हेल्थ कमीशन की गाइडलाइन को लागू किया जाएगा। साथ ही हेल्थ मैनेजमेंट, क्रिटिकल केयर के कोर्स शुरू होंगे। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिसिन के पीजी कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। मरीज मित्र योजना की भी शुरुआत होगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक सहमति मिलेगी। इसके अलावा भोपाल में गैस त्रासदी स्मारक भी बनाया जाएगा। मुझे चाय पर चर्चा के लिए बुलाया था और उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग, अरे आईडिया नीचे करो यार, कि हमारी क्या योजनाएं, उस पर चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें उस विषय में बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं और हमने मेडिकल एजुकेशन विभाग की ओर से नए कार्यक्रम की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज।
जिसके माध्यम से हमारे मेडिकल कॉलेज के जितने अस्पताल हैं उनमें हम करीब 15 पॉइंट हमने उसमें बनाए हैं, उसके माध्यम से हम मरीजों को जहां एक और समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराएंगे, तो उसके साथ ही हमारे मेडिकल छात्रों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग का भी अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद खेल तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया चाय पर चर्चा के लिए सीएम हाउस पहुंची। बैठक के बाद यशोधरा ने विभाग की प्लानिंग के बारे में बताया कि ग्लोबल स्किल पार्क डेवलपमेंट का प्लान बनाया जा रहा है। इस पार्क में 10,000 बच्चों को हुनर सिखाया जाएगा। सीएम शिवराज का सपना साकार किया जाएगा। खेलों को भी बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पे चर्चा की जो योजना उन्होंने शुरू की है, मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आई थी कि डिस्कस हो जाए हमारे डिपार्टमेंट्स में क्या क्या चल रहा है और आगे के लिए भी क्या एक्शन हम लेने वाले हैं। अच्छी सहज चर्चा हुई जिसमें ग्लोबल स्किल्स पार्क की ज़्यादातर बात हुई थी। ग्लोबल स्किल्स पार्क सीएम साहब का बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, जो जब वो सिंगापुर गए थे तो उनने वहाँ ग्लोबल स्किल्स पार्क देखा था और उसी को ही उनने पूरी मॉडल उसी को कॉपी करके यहाँ लाई है। तो 2017-18 में उनने किया था, फिर 2019 में उनकी सरकार नहीं थी, अब 2020 में हम वापस इसको पटरी पे ला रहे हैं, जिसमें 10,000 बच्चों को स्किल्स सिखाए जाएंगे। हालांकि इन मुलाकातों पर कांग्रेस ने भी तंज कसा और मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट में लिखा कि सीएम को तो मंत्रियों से रोज मिलना चाहिए, 3 महीने में मंत्रियों का नंबर कब आएगा। सलूजा ने ये भी पूछा कि सिंधिया के मंत्रियों का नंबर कब आएगा। कुल मिलाकर सीएम शिवराज जो कह रहे हैं उसे लगातार धरातल पर भी उतार रहे हैं। चाय पर चर्चा के तहत मंत्रियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा रहे हैं और उनके विभाग की मॉनिटरिंग भी स्वयं कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि जो भी प्लानिंग बने उससे बेहतर रिजल्ट मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN न्यूज। वहीं एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां सरकार और किसानों के बीच आज 9वें दौर की बातचीत होनी है। ये बातचीत विज्ञान भवन में होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक होनी है, जिसमें सरकार और किसानों के बीच कृषि बिल को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दें, 43 दिन से लगातार कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलित है, जिसके बाद आज विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है। 8वें दौर की बातचीत के दौरान अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है, जिसके बाद आज सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है, जिस पर एमएसपी को लेकर लिखित पर सहमति बन सकती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं एक इस वक्त के बड़ी खबर की ओर, जहां आज से प्रदेश में ड्राई रन शुरू हो रहा है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, प्रदेश में आज से ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। इंदौर में 4 केंद्र बनाए गए हैं और राजधानी में 2 जनवरी को ड्राई रन हो चुका है। आपको बता दें, भोपाल में 2 जनवरी को ड्राई रन हो चुका है, अब इंदौर में 4 केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर 4 वैक्सीन अधिकारी होंगे। आपको बता दें, 736 जिलों में आज ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, आज प्रदेश के 736 जिलों में ड्राई रन प्रक्रिया की जाएगी। इंदौर में 4 केंद्र बनाए गए हैं, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन की प्रक्रिया आज की जाएगी। आपको बता दें, देश में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसके चलते आज 736 जिलों में ड्राई रन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के साथ ही राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान निकाय चुनाव से पहले कई जिलों का दौरा करेंगे। सीएम शिवराज 13 जनवरी को उज्जैन, 15 जनवरी को सागर और कटनी, 16 जनवरी को सतना सिंगरौली, 22 जनवरी को खंडवा और बुरहानपुर का दौरा करेंगे। वहीं 23 जनवरी को रीवा, 26 जनवरी को जबलपुर, 27 को रतलाम, देवास और 30 जनवरी को ग्वालियर मुरैना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं एक और खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। एक और बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 26 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आपको बता दें, पेट्रोल के दाम 92 रुपए और डीजल के 82 रुपए पहुंच गए हैं दाम। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। भोपाल से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होते जा रहा है। 26 दिन बाद एक बार फिर ये दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत 92 रुपए हो गई है और वहीं डीजल की कीमत 82 रुपए पहुंच गई है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर मिश्रा ने दुर्गापुर में मंच से शंख बजाकर बीजेपी की जीत के लिए विजय का उद्घोष किया। इस दौरान उन्होंने कई स्थानों पर जनसभा को संबोधित किया और बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा आने वाली है, ये दिख रहा है, क्योंकि अब जनता खड़ी हो गई है। इस पश्चिम बंगाल का जितना शोषण हो रहा था हो चुका। 34 साल तक गरीबों की बात करने वाले, मजदूरों की बात करने वाले कम्युनिस्ट बात गरीबों की करी और पैसे वाले बन गए। ये ममता बनर्जी गरीब को एक रोटी जो गरीब खा रहा था उसको दो रोटी का लालच देके हाथ की रोटी भी छीन ली इस ममता बनर्जी ने। मोदी जी ने लॉकडाउन में गेहूं भेजा, गेहूं खा गए इसके लोग। ट्रेन रोको अभियान के बाद अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शहर भर में सांसद और विधायक लापता होने के पोस्टर चस्पा किए गए। दरअसल लॉकडाउन से पहले नेपानगर स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए ट्रेन का स्टॉपेज छीन लिया गया, जिससे नाराज लोगों ने रेल रोको अभियान चलाकर फिर ट्रेन नहीं रुकने के चलते सांसद विधायक लापता के पोस्टर लगा दिए गए। आंदोलन के बाद नगर में ऐसे पोस्टर चप्पा हो रहा है। ये हमने भी कल सवेरे पढ़ा शाम में। क्या मामला है? नहीं, ये मैं बोला कोई लापता होगा वो तो विधायक और सांसद लापता है यहाँ से, और सही में लापता है। 5 साल से ना सांसद दिख रहे नेपा नगर में और 5 साल से ना विधायक दिख रहे। किसने लगाए पोस्टर? ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन सही है पोस्टर। पोस्टर बहुत सही है, सुपर है, एक नंबर पोस्टर छपा है। सही लगाया है जिसने भी लगाया, सही है। कुछ देखिए और किस परिस्थितियों में कैसे आगे जाके बढ़ता है। किसी को पता नहीं था कि ये आम जनता पटरियों पे बैठने वाली है। यहाँ से सीधे सिंपल हम लोग रेलवे स्टेशन गए थे, वहाँ पर परिस्थिति जैसी बनी उस परिस्थितियों को सकारात्मक रूप देने के लिए जनता ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए और खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए नेपानगर की जनता ने यहाँ से दिल्ली से लेकर बम्बई तक के आवाज़ को आह्वान के रूप में पहुँचाया है। और ये सिर्फ आगाज है, आवाज और ऊपर तक के जाएंगी जब तक कि इनको नेपानगर की जनता को उसके सकारात्मक परिणाम नहीं मिल जाते। बिल्कुल 10 बार बोलेंगे जनता, नेपा की जनता तो चाहे विधायक का व्यवहार हो चाहे सांसद का व्यवहार हो अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। लोग लुभावन वादे, लोग लुभावन बातें, झूठ सच की राजनीति कर जिस प्रकार से चुनाव जीतने का काम इन्होंने किया और जनता को आज जनता जब परेशानी में है तो कोई साथ देने को तैयार नहीं, उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं, समस्या हल करने को तैयार नहीं। तो बिल्कुल 10 बार बोलेंगे कि जनता ने आपको वोट देकर, आपको चुनकर अपने आप को ठगा महसूस किया है।
प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड के सीईओ की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही उन्होंने शिया और सुन्नी बोर्ड के दो अधिवक्ताओं को लापरवाही सामने आने पर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश बैठक में दिए। विभागीय मंत्री ने एंटी भू माफिया टास्क फोर्स लिस्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी को जोड़ने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बस्तर संभाग का दौरा करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि हम लगातार दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों का फीडबैक ले सकें। इसके अलावा हमारी कई तरह की योजनाओं को किस तरह संचालित किया जा रहा है उसकी जमीनी हकीकत से रूबरू हो सकें। बस्तर संभाग का दौरा है, 3 जिले का दौरा होगा, उसके बाद सेकंड फेज में फिर दूसरे 50 जिलों का होगा। देखिए, दौरा करने से निश्चित रूप से जमीनी स्तर की जानकारी मिलती है, जो हमारी योजनाएं हो किस प्रकार से क्रियान्वित हो रही है, उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है और कहाँ कमी रह गई है, इसको देखने का अवसर, समझने का अवसर मिलता है। तो पूरे अभी सरगुजा संभाग और उसके बाद बिलासपुर संभाग के दौरा पूरा हो चुका है, केवल एक मुंगेली जिला बचा है। जब दुर्ग संभाग का दौरा होगा तो मुंगेली भी, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और जहाँ आम जनता से भेंट मुलाकात हो रही है, वहीं किसानों से, महिलाओं से, नौजवानों से और साथ ही साथ विभिन्न हितग्राही है उनसे भी भेंट हो रही है, अधिकारियों से हो रही है, कार्यकर्ताओं, नेताओं से, विधायकों से। सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को योद्धा बताते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई है, उसे वह अच्छी तरह निभाएंगे। मुख्यमंत्री से कट सी कॉल है, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। सामाजिक कार्यक्रम में मैं आया हूँ यहाँ, तो एक चुनाव के बाद पहली बार आया, तो वैसे हर चुनाव में, झारखंड के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, भूपेश बघेल साहब एक अपने आप में योद्धा की तौर पर डटे रहते हैं और अब आसाम जा रहे हैं, वो आसाम की के पूरे चुनाव अभियान का जिम्मा मिला है उन्हें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।